मजबूरी और अवसरवाद की इस महामिलावट का पंजा बहुत खतरनाक है। जब जब ये महामिलावट महामिलावटी पंजा सत्ता में आता है, देश को उसका नुकसान ऐसा भयंकर उठाना पड़ता है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। महामिलावट के इस पंजे के पांच भयानक खतरे हैं। ये महामिलावट के इस पंजे के पांच भयानक खतरे हैं। पहला खतरा भ्रष्टाचार, दूसरा खतरा अस्थिरता, तीसरा खतरा जातिवाद, चौथा खतरा वंशवाद, पांचवा खतरा कुशासन। साथियों, जहां ये महामिलावटी होंगे, जैसे कहते हैं ना, धुआं है तो कहीं ना कहीं आग होगी, उसी प्रकार से जहां जहां भ्रष्टाचार होगा तो मान लेना ये महामिलावटी लोग होंगे, और जहां जहां महामिलावटी होंगे वहां वहां भ्रष्टाचार होगा। भाइयों बहनों, आगे आने की कोशिश मत कीजिए, मुझे पहले से डर लग रहा है, जगह कम पड़ गई है, आप जहां है वहीं रहिए। भैया, वे हर चीज में, भाइयों बहनों, ये महामिलावटी लोग हर चीज में लूट का रास्ता निकालते हैं, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक कुछ भी नहीं छोड़ते। याद करिए, कांग्रेस के नामदार किसानों की जमीन को ट्रस्ट के नाम पर कब्जा करते हैं और फिर उसको हड़प लेते हैं, किसानों से जमीन लेते हैं फैक्ट्री के नाम पर, उस पर अपने लिए नोटों की खेती करते हैं। यहां अमेठी में तो यही हुआ था ना साथियों। आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था कि नामदार के बिजनेस पार्टनर को, व्यापार में उसके सहयोगी को कैसे रक्षा सौदों में शामिल किया गया था। नामदार के साथी पर रक्षा सौदों के दौरान मेहरबानी उस समय दिखाई गई जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सरकार भी अपनी, दोस्त भी अपना, और रक्षा सौदा भी बड़ा, यानी नामदार की मलाई का पूरा इंतजाम था। मीडिया में आई रिपोर्ट बहुत से सवाल खड़े कर रही है, और इन लोगों ने कैसे देश को लूटा है इसका खुलासा कर रही है, और एक ही रटा रटाया वाक्य बोला जाता है, जांच कर लो, जांच कर लो, जांच कर लो। मैं देशवासियों को बताता हूं, इनके लिए जितने मुद्दे जांच के दायरे में हैं, 20-20, 40-40 नोटिस सरकार के भिन्न भिन्न विभागों ने दी है, एक बार भी हाजिर नहीं होते हैं, न उनके वकील आते हैं, न जवाब देते हैं, टालते रहते हैं, इस इंतजार में रहते हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तब तक इसको खींचे रहो, रफा दफा कर दो, एक भी जांच को। ये परिवार एक नागरिक के कर्तव्य के रूप में कोई सहयोग नहीं करता है, अदालतों को हुक्म करना पड़ता है, ऐसे ये लोग
सरकार को, कानून को, संविधान को न मानने वाले लोग और मीडिया में बैठ करके कह देते जांच के लिए तैयार है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। भाई और बहनों, इसी तरह याद करिए, बसपा के राज में न एम्बुलेंस सुरक्षित थी और न ही ताजमहल। मालूम है ना, ताजमहल के सौदे होते थे। वहीं सपा के राज में तो बाकी बड़ा बड़ा छोड़िए, बालू हो, बजरीस हो, अरे घर की टोंटी हो, कुछ नहीं छोड़ा। भाइयों और बहनों, महामिलावट और अस्थिरता एक दूसरे के परियार है और यही महामिलावट का दूसरा बड़ा खतरा है। कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथी ऐसी सरकार दे ही नहीं सकते जो स्थिर हो, टिकाऊ हो। आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि केंद्र में अंतिम बार जब थर्ड फ्रंट की सरकार बनी थी तो वो 2 साल में से भी कम चल पाई थी। इसी छोटी अवधि में भी उसने 2 प्रधानमंत्री देख लिए थे। चरण सिंह जी और चंद्रशेखर जी की सरकारें भी चल नहीं पाई क्योंकि कांग्रेस ने कुछ समय के अंदर ही अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसी तरह जब सपा बसपा आखिरी बार साथ आए थे तब उनकी सरकार भी 2 साल से ज्यादा नहीं चल पाई थी। भाइयों और बहनों, महामिलावट का तीसरा खतरा है जातिवाद। महामिलावट का तीसरा खतरा है जातिवाद। अपनी इस मानसिकता के कारण ही विकास भी ये जाति और वोट बैंक के आधार पर करते हैं। याद करिए, यूपी के किस इलाके में बिजली आए, किस इलाके में बिजली कटे, ये तक जातीय समीकरण और वोट बैंक देखकर तय होता था। क्या जाति की जोड़ तोड़ करने वाले ऐसे लोगों को वोट मिलने चाहिए क्या? मिलने चाहिए क्या? क्या ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए? सजा देंगे? उनको हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर देंगे? भाइयों और बहनों, महामिलावट का चौथा खतरा है वंशवाद। ये महामिलावट वाले इतने घबराए हुए, असुरक्षित और खोखले लोग होते हैं कि किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि अपने ही परिवार के लोगों के पास पार्टी की कमान बराबर जकड़ करके रखते हैं। जो चुनौती देता है उसको गिरा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। आज आप कांग्रेस गोत्र की जितनी भी पार्टियां देख रहे हैं वो कांग्रेस के वंशवाद और नामदारों के अहंकार का ही परिणाम है। ये अलग बात है आज वो सभी जेल जाने से बचने के लिए और सत्ता सुख के लिए सारा अपना अपमान भूल के मिलावट करने की कोशिश में लगे हैं। सपा और बसपा पे भी परिवार को, वंश को ही आगे बढ़ाने की परंपरा हर रोज मजबूत हो रही है। साथियों, महामिलावट का पांचवा खतरा है कुशासन। केंद्र में जब महामिलावट की सरकार थी तो मंत्रालय और मंत्री आपस में झगड़ते रहते थे, इसलिए हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट फंस जाते थे। यहां अमेठी में ही कोरबा में जो आम फैक्ट्री है उस पर क्या हुआ था? साल 2007 में शिलान्यास हुआ,
उस नाम पर 2009 में वोट भी बटोर लिए, लेकिन उसमें आधुनिक हथियार नहीं बने। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने कभी दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। अब हमारी सरकार रूस के साथ समझौता करके उसी फैक्ट्री में आज की दुनिया की सबसे आधुनिक राइफल, हमने AK-47 सुना है ना, AK-47 सुना है ना, अब अमेठी में AK-203 बनेगी, AK-203। यहां जब सपा और बसपा की सरकारें रहीं तब भी यही हाल रहा है। इन लोगों ने जो माहौल बना दिया था उसमें कौन निवेश कर पाता? याद करिए कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी, गुंडों को किस तरह राज करने का मौका मिल गया था, बेटियों का घर से निकलना मुश्किल बन गया था, महिलाओं के मंगलसूत्र तक छीन लिए जाते थे, कब्जा गिरोह चारों तरफ खुलेआम घूमते थे,